बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के जवाब में बीजेपी ने 18 जुलाई को एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक बुलवाई है बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों को राज्य के छोटे दलों को अपने साथ लाने की कोशिश में जुट गई है दिल्ली में एनडीए का मेगा शो कौन कितना ताकतवर दिखते अंदर की बात में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष की दिशा में जून में पटना में पहली बैठक हुई थी बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई इस बैठक में करीब पंद्रह दल शामिल हुए थे इसके बाद सत्रह अठारह जुलाई को दूसरे दौर की बैठक बेंगलुरु में रखी गयी इस बैठक में 24 दलों के नेताओं ने शामिल होने के लिए हामी भरी है बीजेपी की बुलाई इस बैठक में चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा लोक समता पार्टी जीतन राम मांझी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा संजय निषाद निषाद पार्टी अनुप्रिया पटेल अपना दल पवन कल्याण जनसेना के शामिल होने की चर्चा है इतना ही नहीं चिराग के चाचा पशुपति नाथ पारस गुट को भी एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है दरअसल बीजेपी का मानना है कि अगर राज्यों में क्षेत्रीय दल एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, तो इन छोटी छोटी पार्टियों के पाँच छह प्रतिशत वोट उसके लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं 2014 में बिहार में बीजेपी इस रणनीति में सफल हुई थी उसने तब छोटे दलों के सहारे राज्य में बड़ी बढ़त हासिल की थी ब्यूरो रिपोर्ट जी